स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि ये आर्टिकल 35 370 का सब क्लॉज है। लेकिन आप ये देखें कि जिन लोगों ने भी इसको बनाया वो कितने समझदार लोग थे और कितने गहरी साजिश की इस बात की कि आपने संविधान के जो हर साल एक एडिशन ऑफिशियली जारी होता है उसमें बीच में से चार एडिशन में से गायब है, दूसरे एडिशन में है, फिर पांचवें एडिशन में है, और अंदर भी जो मेंशन किया गया है कि जहां 370 मेंशन किया गया है संविधान में वहां नहीं लिखा है ये सब क्लॉज को, उससे पांच पन्ने आगे जाकर के 335 को मेंशन किया। इसलिए बहुत सारे लोगों का शायद ध्यान नहीं गया होगा और हमारी कोर्ट का भी ध्यान नहीं गया होगा, सुप्रीम कोर्ट का। ये बात अलग है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो है मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए उसमें चिंता ज्यादा करती है, महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए इसमें ज्यादा चिंता करती है, लेकिन जिस संविधान से सुबह शाम फैसले देते हैं उसमें एक फ्रॉड है उसके बारे में उनको चिंता नहीं। इसको हमने 19 अगस्त 2014 में चैलेंज किया, एच.एल. दत्तू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 30 सेकंड में हमारी बात मान ली और अब बहुत सारी इस पर डेट पड़ रही है। आर.एस.एन. सिंह साहब का कहना यह है फतवा देने का अधिकार तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं है और ये फतवे से ज्यादा कुछ नहीं है और इसको राष्ट्रपति अपने एक आदेश से वापस ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और हैं। हमको भी ये लगता था कि बहुत सारे मुद्दे इस देश में राजनीतिक दलों के हाथ में देने से वो सॉल्व नहीं होते बल्कि वो लटकते चले जाते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सवाल यह है कि उसको सुनवाई हो रही है, लेकिन इसके पैरेलल भी एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत कुछ आतंकवाद कश्मीर कहां कहां क्या हो रहा है उसकी एक रूपरेखा आर.एस.एन. सिंह साहब ने बना दी है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, भारत की अदलिया उसे सुन रही है, लेकिन एक प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री वो अपने पद पे हलफ लेके बैठी हुई है, शपथ लेके बैठी हुई है, और उसके बाद वो ये कहती है कि धारा 370 से 35 से अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं, और ये देश खामोश है, इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसलिए जिस आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं उनको तो बहुत छूट मिली हुई है, जो लोग संविधान की शपथ लेकर के इस तरीके के वक्तव्य देने के बाद भी छूट जाते हैं तो फिर इस देश में कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक छोटा सा बात मैं कह देता हूं कि 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार हुआ, 57 में लागू हुआ, 57 के अंदर वहां के वजीर आला थे गुलाम साहब, तो वहां स्ट्राइक हो गई और ये कहा गया कि साहब यहां सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक हो गई है, 2 महीने के बाद महामारी फैल गई और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो पंजाब के इलाके लगते हैं वहां से कहा गया कि साहब वहां से कोई 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया जाए और ये सफाई का ठेका दिया जाए। खैर वो आए और सफाई का ठेका दे दिया गया और उन गरीब लोग जरा तसव्वुर कीजिए, इस बात को जरा इमेजिन कीजिए कि 1957 में उन दलितों की क्या मानसिक स्थिति होगी, देश की क्या स्थिति थी, कौन कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन कश्मीर के वजीर आला बड़े समझदार थे, उन्होंने वादा किया कि हम आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी देंगे और आपको ये नौकरी भी देंगे, आप किसी तरीके से हमारे इस पूरे सूबे को संभाल लें। वो गरीब लोग थे उस जमाने की क्या स्थिति रही थी, उन्होंने संभाल लिया और सफाई हो गई, कश्मीर साफ हो गया और उन लोगों को भी नहीं अंदाजा था कि उनके बिहार में क्या बात हुई है। कोई 10-15 साल पहले की बात है हमको पता चला कि एक 57 में मुहैदा किया गया है और वो संविधान का हिस्सा बन गया और वो हिस्से में जो सबसे खतरनाक बात लिखी हुई है कि आपने नागरिकता नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं इस पर तो बहस हो सकती है, नागरिकता तो आपने बहुत सारे लोगों 7.5 लाख लोगों को भी नहीं दिए, लेकिन संवैधानिक तौर में मुझे ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि आप एक कम्युनिटी को उसके आने वाली जनरेशन को 4 जनरेशन निकल जाने के बावजूद भी आपने संवैधानिक तौर पे ये फिक्स कर दिया है कि ये 200 दलित परिवारों के घर में बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे जो भी पैदा होंगे जम्मू कश्मीर में सिर्फ भंगी की नौकरी करेंगे और शब्द भंगी लिखा हुआ है। इस पे इस देश के अंदर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन पे सवाल नहीं उठाता,
लेकिन बुरहान वानी को गोली लग जाती है तो दिल्ली से लेकर के लोग यूएनओ तक पहुंच जाते हैं। ये पाखंड है हमारे देश का। इसलिए मैं बार बार अपनी हर बात में ये कहता हूं कि देश में हमारे यहाँ एक अलग किस्म का नैरेटिव ये हो रहा है कि हम तमाम जो भारतीय समाज है वो सरकारों से ही उम्मीद करता है कि वो बताए क्या होगा। और मेरा मानना है कि अगर आप समाज को जागरूक कर दें, समाज को बात बता दें, तो वो तय करती है कि सत्ता पर कौन बैठेगा और देश कैसे चलेगा।